फैन, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसी तरह का हेल्पफुल और ट्रस्टेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली योर टारगेट्स हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को, और साथ में जो बेल की आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें तो साथ ही साथ आपको हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, डेली योर टारगेट्स हेल्पर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हालांकि आपको तो पता है कि जो इंडिया का जो सिचुएशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मतलब इस वीक में खानापारातीर एंड शिलोंग की बोथ साइड गेम ऑफ है। तो मतलब नेक्स्ट वीक यानी जो 31 मार्च के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि कब गेम ऑन होगा या नहीं, मतलब कितना दिन में गेम ऑन होगा या नहीं। जब तक मुझे मतलब रिपोर्ट कुछ आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा सब कुछ, मतलब बात जो होता है वो सब कुछ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करने वाला हो। तो दोस्तों इस वीडियो में, तो दोस्तों तब तक मैं आप लोगों के लिए मतलब अभी जो मैं हर दिन जो डेली कॉमन नंबर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो अभी तो मतलब गेम नहीं होगा तो कॉमन नंबर कहाँ से ले आऊँगा। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मतलब सब स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है यानी सबको घर पे रहना हो, तो आप लोग भी घर पर बोर हो जाओगे। पहले तो आप लोग कॉमन नंबर का वीडियो देख के भी आप लोग मतलब थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बट दोस्तों इसलिए मैं सोचा कि मैं जब भी मतलब मुझे टाइम मिलेगा मैं भी तो घर पर ही रहूँगा आपसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो फार्मूला, मतलब कौन कौन सा फार्मूला है, जो फार्मूला से हाउस निकलता है, जो फार्मूला से एंडिंग निकलता है खाना पड़ती का, फिर दोस्तों जो फार्मूला से शिलोंग तीर का हाउस निकलता है, जो एंडिंग निकलता है, एक एक करके मैं हर फार्मूला का वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ इस कुछ दिनों में। तो दोस्तों इस कुछ दिनों में आप लोग मतलब तीर में बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो। तो दोस्तों आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और वीडियो देख रहे हो, और दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों डेली ऐसे ही और भी नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेबल तीर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग दोस्तों हम लोग का इस चैनल डेली योर टारगेट हेल्पर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर मैं ट्रस्ट के साथ आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को सब कुछ मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में, चलिए इस वीडियो को बात करते हैं, वो सब बात हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि दोस्तों आप लोग जो मतलब जुआई के रिजल्ट आता है हर दिन, मतलब अभी तो कुछ दिन गेम ऑफ है, मतलब जब भी आता है तो तब तो आता है ना जुआई तीर का जो रिजल्ट है, आप लोग वो रिजल्ट से कि कैसे मतलब कैलकुलेशन करके आप लोग जो शेयर हो जाओगे कि खाना पर तीन में कौन सा हाउस आने का चांस है। दोस्तों मैं जो फार्मूला आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये फार्मूला से दोस्तों 80% चांस है नंबर आने का, ठीक है। 80% दोस्तों आता ही है, मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ, मैं प्रूफ के साथ कुछ नहीं दिखाता दोस्तों, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोग मतलब वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, स्किप मत करना, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखते रहना। और दोस्तों अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों क्या सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करोगे तो हम लोग का जो इतना ज़्यादा मेहनत है वो दोस्तों बेकार हो जाता है। इसलिए आप लोग हम लोग का मेहनत को सफल बनाइए, बस इस वीडियो को लाइक करके। दोस्तों अगर वीडियो लाइक हो गया तो चलिए दोस्तों मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो जॉय रिजल्ट आता है उसके बाद आप लोग कैसे खानापारा तीर का सिंगल हाउस निकल सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब शिलोंग तीर का जो फार्मूला चाहिए होगा कि कैसे आप लोग सिंगल हाउस का फार्मूला के साथ आप लोग कैसे शिलोंग तीर में आप लोग सिंगल हाउस निकल सकते हो, अगर आप लोगों को वो भी चाहिए तो आप लोग नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ में कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताना। अगर दोस्तों ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं उसका भी वीडियो अलग से ज़रूर से बनाऊँगा। दोस्तों चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल, जो जिस दिन गेम ऑफ हुआ था उस दिन दोस्तों खाना पर तीर में रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट आया था दोस्तों 33 आया था एंड दोस्तों 64 आया था, ठीक है। तो दोस्तों उस दिन जुआई का रिजल्ट क्या आया था, उस दिन दोस्तों जुआई रिजल्ट आया था 94 एंड 72, ठीक है 94 एंड 72 आया था। तो दोस्तों 94 एंड 72 से दोस्तों हम लोग को
जो थ्री हाउस या सिक्स हाउस हम लोग को निकलना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको लगेगा कि मतलब एक दिन अगर आया तो मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ, बट नहीं, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ और भी दिन आप लोगों को दिखाऊंगा। सब कुछ जो आता है मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं दिखाता, क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो फैमिली थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं सबको मतलब कोई धोखा नहीं देता। मैं कभी दिन आप लोगों को नहीं बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए वो चाहिए, मैं कुछ भी नहीं मांगता आप लोगों के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि अपना जो लॉस है आप लोग वो रिकवर करें। अगर आप लोग लॉस जो अपना है वो रिकवर कर पा रहे हो दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। तो दोस्तों 94 and 72 आया दोस्तों, हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, आप लोगों को सिंपली जो है रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को 94 लिखना होगा फर्स्ट राउंड, फिर दोस्तों 72 सेकंड राउंड लिखना होगा। अब दोस्तों इसको आप लोगों को प्लस करना, इसको प्लस करना होगा दोस्तों 3, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 5। ठीक है तो दोस्तों सेम आप लोगों को पहले अभी 72 लिखना होगा, फिर दोस्तों 94 लिखना होगा दोस्तों। अब इसको प्लस करने से होगा 9, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा दोस्तों 0, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे होगा 5। ठीक है तो दोस्तों आप लोग कहाँ से आप लोग हाउस लेंगे दोस्तों, हाउस यहाँ से देखेंगे एंड यहाँ से देखेंगे दोस्तों। हाउस क्या आता था दोस्तों, हाउस आता था 3 house and 9 house दोस्तों। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया था 3 दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो जो 3 house जो सक्सेस मिला था। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे कि इस दिन एक दिन आप लोग एक दिन मतलब आया तो आप लोग बोल रहे हो कि यही से रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैं उस दिन का पहले, ये तो लास्ट फ्राइडे में गेम ऑफ हुआ था खानापारा 3 में दोस्तों। जो थर्सडे में रिजल्ट आया था वो खानापारा 3 में क्या रिजल्ट आया था दोस्तों, खानापारा 3 में उस दिन रिजल्ट आया था दोस्तों। एक मिनट रुकिए, मैं भी भूल गया, एक मिनट दोस्तों। जो रिजल्ट आया था वो आया था 67 एंड दोस्तों 14 आया था। ठीक है दोस्तों, उस दिन जुलाई में रिजल्ट क्या था दोस्तों, जुलाई में रिजल्ट आया था 92 and 36। तो दोस्तों सेम हम लोग को यही प्रोसेस लेना होगा दोस्तों, हम लोग को सिंपली 92 लिखना होगा, फिर दोस्तों 36 लिखना होगा। अब इसको प्लस करने से 1, यहाँ पे को 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे इसको प्लस करने से 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे को 0। अभी दोस्तों पहले 36 लिखना होगा, फिर 92 लिखना होगा, फिर अभी इसको प्लस करने से 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे को 0। दोस्तों हम लोग का हाउस कहाँ से लेना था, 1 house and 9 house। तो दोस्तों हम लोग क्या हाउस था, 1 house and 9 house। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 14 जो हम लोग को 1 house हम लोग को सक्सेस मिला था। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग मतलब हर रोज जो जुआई रिजल्ट का जुआई रिजल्ट आने के बाद आप लोग सिंगल हाउस निकल सकते हो खानापारा 3 के लिए। दोस्तों आशा करते हो कि वीडियो आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपना जो लॉस है वो रिकवर कर पाए। तो दोस्तों डेली ऐसे ही और भी नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेबल ट्रेड रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हम लोग का इस चैनल डेली योर टारगेट हेल्पर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का फेसबुक पेज को आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।